वेलकम डॉग्स लवर, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं रितेश डॉग्स वर्ल्ड। आज मैं बहुत ही सिंपल चीज़ पर बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़रूरी है डॉग्स ओनर के लिए, और वो है डिवॉर्मिंग इन पपीज। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। डिवॉर्मिंग का मतलब है कि जो उसके पेट में कीड़े हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं या होंगे, उन कीड़ों को मारना। जब पप्पी 45 डे तक हो या एक साल तक नहीं हो जाता है, अगर हम उनको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो उनका बॉडी सिस्टम कहे तो लीवर बहुत ही वीक हो जाता है, जिन कारण से उनके पेट में कीड़े होते हैं उनको वो झेल नहीं पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पप्पी हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं या हम ब्रीडिंग कराते हैं, उनका प्रॉपर डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉग्स लवर पेट ओनर को ये नहीं पता होता है डिवॉर्मिंग तरीका, तो एक महीने में या जब मन चाहा तब वो डिवॉर्मिंग करा देते हैं, वो भी डॉग को प्रॉब्लम में देखकर, जैसे कि लूज मोशन होना, सही से खाना ना खाना, या उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो जाती है, पतली हो जाते हैं, हड्डियाँ दिखने लगती है, तो वो सोचते हैं नहीं यार, अगर मैंने डिवॉर्मिंग नहीं कराया तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, डिवॉर्मिंग करा देते हैं। तो डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है, और इसका एक प्रोटोकॉल तरीका है जिसके तहत हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसको कभी भी कीड़ों की दिक्कत नहीं होगी, वॉर्म्स की दिक्कत नहीं होगी, जिससे जो पप्पी की ग्रोथ है वो एक्चुअल रूप से हो पाएगी। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि डिवॉर्मिंग की वजह से जो हमारी बच्चों की ग्रोथ होती है, पप्पीज़ की ग्रोथ होती है, वो सही तरीके से नहीं होती अगर हम सही तरीके से डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। जो हम एक्चुअल में हाइट चाह रहे होते हैं वैसी नहीं होती है, हमारा पप्पी एक्टिव नहीं होता है, अच्छा नहीं दिखता है, वो पतला सा रहता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है डिवॉर्मिंग कराना। जो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल बताया गया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं। जब आपका पप्पी पहले, अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो आपका पप्पी जब पहले 2 वीक का हो जाता है तो हम पहली बार डिवॉर्मिंग करते हैं, और उसके बाद 4 वीक पर, इस तरह से 2-2 वीक की गैप पर हम डिवॉर्मिंग करते हैं पप्पी का। और जब आपका पप्पी 8 वीक के ऊपर का हो जाता है तो हम 1 महीने में एक बार करते हैं, जब तक कि वो 6 महीने तक ना हो जाए। जब 6 महीने का हो जाता है तब आप उसको हर महीने में डिवॉर्मिंग करते रहेंगे। जब आपका पप्पी 5 साल या 1 साल के ऊपर हो जाता है तो हम उसे 3 महीने में डिवॉर्मिंग कराते हैं, या जब आपका डॉग 5 साल का हो जाता है तो हम उसे 6 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग कराते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है हमारी डॉग प्रेग्नेंट है तो इसे डिवॉर्मिंग करा सकते हैं? जी हाँ, आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। उसके लिए मार्केट में अलग से दवा आती है, उसे आप लेकर 45 दिन पहले आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं, और उसके लिए अलग दवा आती है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उस जो पहले अपने डॉग को जिस दवा से कराते थे उस दवा से नहीं करा सकते हैं। बहुत ध्यान, या तो हम जब अपने डॉग को मेड कराते हैं उसके पहले ही डिवॉर्मिंग करा दें, तब हमें डिवॉर्मिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी ऐसी वीडियो लेकर आता ही रहूँगा। अगर आप अपने डॉग के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।